अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके रिस्क में खानों में बरकत दे, आमीन आमीन। तो फ्रेंड्स आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है मज़ेदार फ़िश फ्राई रेसिपी। तो आइए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं, देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स हमने फ़िश ले ली है, इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। ये तमाम स्पाइसेस इसमें जाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा दही ऐड करेंगे और ये सिरका है, मैरिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और ये इसका टेस्ट भी अच्छा कर देता है। तो फ्रेंड्स तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो फ्रेंड्स 2 घंटे हो गए हैं, हमारी फ़िश अच्छी तरह मैरिनेट हो गई है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसके लिए ये देखो हमने एक बाउल लिया है, इसमें ये थोड़ा सा जर्दे का कलर ऐड किया है, ये बेसन है, एक आधा कप हमने बेसन लिया है ये ऐड करेंगे इसमें। ये चावलों का आटा है, छोटा कप इसका ऐड करेंगे, इससे एक क्रिस्पी और अच्छी फ्राई होती है। ये पानी है, इसके साथ हम मिक्स करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइस फ्लोर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं। तो फ्रेंड्स हमारा बेसन अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब हम इसको फिश में ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
ये देखें अच्छी तरह बेसन भी मिक्स हो गया है। अब हम ऑयल को गरम करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स ऑयल अच्छी तरह गरम हो गया, अब हम एक एक पीस करके छोड़ेंगे। माशाल्लाह कितना जबरदस्त कलर आ रहा है। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश फ्राई तैयार है। फ्रेंड्स अगर आप मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।